दो चीजें अपनी बची है, इसके अलावा जो भी चीजें थी वो सारी ऑलरेडी हमारी कवर हो चुकी है। तो काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप में दो तरीके से उन्होंने समझाया है, वन इज विद रिगार्ड्स टू द ड्यूरेशन एंड द सेकेंड इज विद रिगार्ड्स टू द बिजनेस। दो चीजें उन्होंने समझाई है, एक है पार्टनरशिप एट विल, मतलब ड्यूरेशन के बेसिस पे दो तरीके से डिवाइड किया है, वन इज पार्टनरशिप एट विल, द सेकंड इज पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड एंड टू द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस में भी दो चीजें हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड जनरल पार्टनरशिप। अब ध्यान से समझना वन बाय वन सारी चीजें। जो पार्टनरशिप होता है विद ड्यूरेशन, ठीक है, जो हम लोग पहले बात करते हैं विद रिगार्ड्स टू द ड्यूरेशन, उसमें विल वाली बात मैं बाद में करूंगी क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट वो बाद में समझेगा, पहले मैं समझाऊंगी पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। नाम में ही सब कुछ है, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड का मतलब क्या होता है कि आपने डिसाइड किया कि अगले 5 साल के लिए हम लोग पार्टनरशिप हमारी कंटिन्यू करेंगे या अगले 3 साल के लिए हमारी पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगी। तो पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड मतलब क्या कि आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त ही, आपके पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाते वक्त ही, पार्टनरशिप डीड बनाते वक्त ही आप लोगों ने ये प्रोविजन डाल दिया कि इतने इतने टाइम पीरियड के लिए आपका पार्टनरशिप होगा। तो क्या लिखा है, where the provision is made in the contract for the duration of the partnership is called as the partnership for a fixed period। तो आपको focus कहाँ करना है, duration शब्द पर करना है। It is partnership created for a particular period of time, such partnerships comes to an end on the expiry of that fixed period। अगर आपका time period खत्म हो गया आपका partnership भी खत्म हो जाएगा। 4 साल तक अपन साथ में आकर काम करने वाले थे, ये decision ले लिया था, अगर 4 साल खत्म हो जाते हैं तो आपका पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगा। तो आपका जो पार्टनरशिप होगा वो खत्म कहाँ होगा, जैसे ही आपका जो फिक्स पीरियड है वो एंड हो जाएगा। अब दूसरी बात मैं करूंगी जो कि है, देखो अभी मैंने ये पॉइंट पर डिस्कशन कर लिया, फिक्स पीरियड ये किसके बेसिस पर था रे, ड्यूरेशन के बेसिस पर था। अब दूसरा जो है वो ऑन द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस के बेसिस पर है, जो कि है पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड जनरल पार्टनरशिप। तो पहले मैं इसकी बात करूंगी पर्टिकुलर पार्टनरशिप, फिर मैं जनरल पार्टनरशिप की बात करूंगी एंड देन एंड में हम बात करेंगे पार्टनरशिप एट विल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिस पर, वो है पार्टनरशिप एट विल। तो सबसे पहले क्या लिखा है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है, ऑन द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस दो है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड जनरल। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है भाई, पर्टिकुलर का मतलब होता है कि कोई ना कोई एक एडवेंचर, कोई ना कोई एक डिसीजन या कोई प्रोजेक्ट है आपका या वेंचर है आपका उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, वो जब तक वो वेंचर कंप्लीट नहीं होता आप लोग आकर साथ में काम करोगे। तो दो चीजें समझो, पहला पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स, मतलब 4 साल 3 साल 2 साल, दैट इज पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। और दूसरा आता है पार्टनरशिप बट वो पर्टिकुलर पर्पज से फॉर्म किया हुआ। अब वो जो पर्पज जब तक खत्म नहीं होता तब तक आपका पार्टनरशिप खत्म नहीं होगा। यहां पर जब तक वो टाइम खत्म नहीं हो रहा था तब तक कंटिन्यू था, यहां पर जब तक वो पीरियड खत्म, वो जो एडवेंचर या जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आपका पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करो रिलायंस इंफ्रा ने साथ में अगर काम किया, बोला डिसीजन लिया गवर्नमेंट की कि ये जो टॉवर है ये टॉवर्स हम लोग बिल्ड करेंगे और इसका जब तक वो टॉवर्स कंप्लीटली मुंबई सिटी में भी अब अज्यूम करते हैं मुंबई सिटी में पूरा उन्होंने डिसाइड किया कि मुंबई में सारे टॉवर्स सिर्फ रिलायंस इंफ्रा ही लगाएगा। तो रिलायंस इंफ्रा जब तक वो सारे टॉवर्स नहीं डिसाइड कर लेता, कि जब तक वो फिट नहीं कर देता तब तक वो पार्टनरशिप चलेगी। मे बी वो पार्टनरशिप गवर्नमेंट और रिलायंस इंफ्रा के बीच में हो, या रिलायंस इंफ्रा एंड जीएमआर इंफ्रा के बीच में हो, या किसी के भी बीच में हो, दो कंपनीज के बीच में हो, दो बंदों के बीच में हो, कोई भी लोगों के बीच में हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऑलरेडी समझा दिया था आपको कि पार्टनरशिप इज टू और मोर पर्सन का एसोसिएशन। अब टू और मोर पर्सन मतलब कोई भी हो सकता है, पर्सन वर्ड है क्योंकि, तो दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आकर काम कर रहे हैं। अब ऐसे ही मोटा भाई ने और एक साथ सोचा कि मोटा भाई ने बोला ये जो रोड कंस्ट्रक्ट करनी वो हम लोग करेंगे, तो अब रोड कंस्ट्रक्शन का जो उन्होंने डिसीजन लिया वो L&T एंड मोटा भाई दोनों ने साथ में लिया, तो L&T एंड मोटा भाई की पार्टनरशिप बन गई। तो ये जब तक वो रोड नहीं कंस्ट्रक्ट होगा तब तक, जो भी उन्होंने डिसाइड किया 20 किलोमीटर का रोड बनाना है, तो वो जब तक वो रोड नहीं कंफर्मली पूरा प्रॉपरली बन जाता तब तक वो पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगी। उसे आप क्या बोलोगे, उसे बोलोगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो क्या लिखा है देखो, अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप मे बी ऑर्गेनाइज फॉर अ प्रोसिक्यूशन ऑफ अ सिंगल एडवेंचर एज वेल एज कंडक्ट ऑफ द कंटिन्यूस बिजनेस
as well as conduct of a continuous business. I'll explain, wait. Where a person becomes a partner with another person in a particular adventure or undertaking of a part in the partnership, then it is called as particular partnership. So basically एक single adventure के लिए क्या बोल सकते हो undertaking के लिए constitute करी जाती है और जैसे ही तुम्हारा वो adventure complete हो जाएगा तुम्हारा firm dissolve हो जाता है. तो ध्यान से समझो होता क्या है कि basically assume करो, देखो या तो एक single adventure मतलब क्या कि भाई देखो ये एक tower बांधना है तो एक टॉवर बांध दिया, बात खत्म हो गई, सिंगल एडवेंचर खत्म हो गया. या तो फिर कंटिन्यूअस बिजनेस प्रोसेस मतलब क्या, मुंबई में जितने भी टॉवर्स रहेंगे वो सारे के सारे मुकेश अंबानी मोटा भाई बनाएंगे, तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस हुआ. बट वो एट द एंड वो एक एडवेंचर ही आपका, वो एक डिसीजन है, वो एक प्रोजेक्ट है. जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपका पार्टनरशिप रहेगा. उसे क्या बोलोगे आप, उसे बोलोगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप. और दूसरा होता है जनरल. जनरल मतलब जो ऊपर तीनों में नहीं आएगा वो जनरल. मतलब क्या, बेसिकली जो नॉर्मल लेवल पर नॉर्मली जो भी पार्टनरशिप होती है, ना ही उसमें टाइम ड्यूरेशन डिसाइड किया जाएगा, ना ही उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि भाई एक ही पर्पस है, एक ही इतना एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और बात खत्म, ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं होता है. वो चलते जाता है. तो क्या लिखा है, जनरल पार्टनरशिप इज वेयर अ पार्टनरशिप इज कंस्टिट्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस जनरल. मतलब क्या, एक तो बिजनेस इन जनरल मतलब नॉर्मली बेसिस पर जो भी पार्टनरशिप बनती है वो, इट इज कॉल्ड एज जनरल पार्टनरशिप. द जनरल पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम द पर्टिकुलर. ऑब्वियसली पर्टिकुलर एक पर्पज के लिए, एक डिसीजन के लिए, एक एडवेंचर के लिए, लेकिन जनरल जो है वो वैसा नहीं है. इन केस ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स एक्सटेंड ओनली टू दैट पर्टिकुलर एडवेंचर. ऑब्वियसली बात है ना, एक ही एडवेंचर है तो एक ही एडवेंचर के लिए लायबल रहेंगे. ऐसा थोड़ी कि पूरे के पूरे एडवेंचर के लिए पूरा का पूरा हमेशा ही लायबल रहेंगे, नहीं. और द अंडरटेकिंग बट इट इज नॉट इन केस ऑफ द जनरल पार्टनरशिप. मतलब क्या, जनरल पार्टनरशिप के केस में ऐसा नहीं होता. जब तक तुम्हारी पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगी तब तक तुम्हारे ऊपर लायबिलिटी रहेगी. तो जनरल पार्टनरशिप मतलब क्या, अलग होता है, पर्टिकुलर अलग. पर्टिकुलर कोई ना कोई एक पर्टिकुलर पर्पज से, कोई ना कोई एडवेंचर से आपने फॉर्म करी है, वो जैसे ही खत्म, आपकी पार्टनरशिप खत्म, जब तक वो खत्म नहीं होता लेकिन तब तक लायबिलिटी अनलिमिटेड. दूसरा आता है जनरल पार्टनरशिप. जनरल मतलब क्या, इन जनरली अदर देन पर्टिकुलर मतलब क्या, वो चलती रहेगी आपकी पार्टनरशिप. वो ना ही उसमें फिक्स पीरियड है टाइम का, ना ही कोई एक पर्टिकुलर एक एडवेंचर के लिए, प्रोजेक्ट के लिए फॉर्म करी है आपने. नॉर्मल बेसिस पर आपने बिजनेस करने के लिए फॉर्म करी है और उस केस में ऐसा नहीं होता कि एक एडवेंचर कर लिया तो मतलब आपका काम खत्म हो गया, आपकी पार्टनरशिप भी खत्म हो गई या आपकी लायबिलिटी खत्म हुई, ऐसा नहीं होता. उसके बाद बात करेंगे अब जो है पार्टनरशिप एट विल. सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप एट विल गिवन अंडर सेक्शन नंबर 7. पहले तो सेक्शन 7 में दिया है, सेक्शन 7 लिख कर आना है एग्जाम में, याद रखने में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए. क्यों, क्योंकि 7 नंबर MS का होता है हमारे महेंद्र सिंह धोनी का है, तो धोनी वाले नंबर तो याद रहने चाहिए तुम्हारे. इवन गुड्स का जो डेफिनेशन है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, वो सेक्शन 2 क्लॉज 7 में है, वो भी याद रहना चाहिए. जिधर जिधर धोनी आता है कम से कम उत्तर तो याद रख ही सकते हो तुम लोग. तो ऐसे कनेक्ट क्या करो, देखो जब भी सेक्शन नंबर याद नहीं रहते ना कोई इवेंट के साथ, जब आप लोग उस चीज को कनेक्ट करोगे ना, गारंटी आपको वो सेक्शन याद रहता है. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं करती हूँ. अब आप लोग आपके हिसाब से देख लेना कि आप लोगों को कैसे किस तरीके से सेक्शंस याद रहते हैं. मुझे तो सेक्शन अच्छे से याद रहते हैं बिकॉज मैं इवेंट्स के साथ कनेक्ट करती हूँ. तो सेक्शन 7 के हिसाब से पार्टनरशिप एक्ट विल का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप इज व्हेन नो फिक्स पीरियड. क्या लिखा है देखो, नो फिक्स पीरियड हैज बीन अग्रीड अपॉन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड There is no provision for the determination of partnership. वाह, ऐसे शब्द लिखे कैसे समझ में आएगा. एक तो पहला शब्द समझो ड्यूरेशन है. एक तो पहला शब्द क्या है, पहला है ड्यूरेशन, दूसरा है डिटर्मिनेशन. ध्यान से समझना, ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, फिक्स पीरियड का पार्टनरशिप. तो ड्यूरेशन तो बताया नहीं, मतलब 4 साल, 3 साल, 2 साल, ऐसा आपने कुछ भी बताया नहीं है कि आपका पार्टनरशिप 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा या 4 साल चलेगा. तो ड्यूरेशन डिफाइंड नहीं है, मतलब चलता जाएगा, पहली बात तो ये. एंड दूसरी बात तो ये, इवन आपके एग्रीमेंट में भी ये डिटरमाइन नहीं किया गया है कि आपका पार्टनरशिप खत्म कैसे होगा. मतलब क्या कि आपने ये नहीं लिखा कभी भी पार्टनरशिप में कि देख इतना इतना इवेंट होने के बाद हम लोग पार्टनरशिप खत्म करेंगे, या इतना टाइम ड्यूरेशन के बाद हम लोग पार्टनरशिप खत्म करेंगे, या ये चीजें होने के बाद हम लोग पार्टनरशिप खत्म करेंगे, या इस तरीके से हमारी पार्टनरशिप खत्म होगी. इस तरीके का ये कोई वे आउट लिखा ही नहीं है आपके एग्रीमेंट में. ना ही वहां पर कोई ड्यूरेशन है, ना ही वहां पर डिटर्मिनेशन है. अगर कोई भी किसी भी तरीके का डिटर्मिनेशन नहीं कि आपकी पार्टनरशिप खत्म कैसे होने वाली है इन योर एग्रीमेंट, तो दैट मींस आपकी जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप एट विल है. जब तक चल सकती है आप तब तक आपकी पार्टनरशिप चलेगी. ये बहुत क्लियरली लिखा है पार्टनरशिप एट विल, दैट इज सेक्शन नंबर 7 ने.
सो देर शुड बी द टू कंडीशन. कौन से टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड विद रिगार्ड्स टू पार्टनरशिप एट विल? क्या लिखा हुआ है, कौन सी दो है? एक तो है ड्यूरेशन, दूसरा है डिटर्मिनेशन. तो जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तब आप बोलो पार्टनरशिप एट विल है. बट वेयर देर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ईदर एज टू द ड्यूरेशन और एज टू द पर्टिकुलर एडवेंचर, तो फिर वो आप या तो डिटरमाइन कर रहे हो आप, देन वो पार्टनरशिप एट विल नहीं होगी. सो बेसिकली उनको क्या बोलना है एट दी एंड, जो आपकी फिक्स पीरियड वाली पार्टनरशिप है या पर्टिकुलर पार्टनरशिप में जो आपने देखा एक पर्टिकुलर रीजन से आप आए हो, तो अगर ये कोई चीजें है तो आपकी पार्टनरशिप एट विल नहीं होती है. सो बेसिकली आपको ये समझना है, ना ही कोई फिक्स ड्यूरेशन है, ना ही कोई फिक्स एडवेंचर या डिटर्मिनेशन किया है आपने जिससे आप ये बता सको कि आपकी पार्टनरशिप कैसे खत्म होगी. तो इसका मतलब आप पार्टनरशिप एट विल है, मतलब चलेगी तो चांद तक, नहीं तो शाम तक. वो वाला सीन है इधर, क्या है, चलेगी तो शाम तक, चलेगी तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, एटलीस्ट वहां तक तो चले, ऐसा है पार्टनरशिप एट विल. देखो क्या होता है ना, ये ऐसा है ना कि जैसे ऐसा होता है ना कि यार पुराने जमाने में शादियां होती थी तो बहुत लंबे लंबे अरसों तक शादियां चलती थी, है ना, बहुत दूर दूर तक लोग साथ देते थे, जन्मों जन्मों का साथ रहता था, साधु जन्मों का साथ रहता था, तो वो पार्टनरशिप एट विल है. लेकिन आजकल के हुकअप के जमाने में, आजकल के हुकअप के जमाने में क्या चलता है, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड चलता है कि भाई देख 2 साल जमा तो ठीक है, तो आगे सोचेंगे, नहीं तो फिर कैंसिल, या तो फिर पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है. पर्टिकुलर पार्टनरशिप तो आपको पता ही होगा, मैं कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही. कोई पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए आप दोनों साथ में आकर काम कर रहे हैं, बाकी मैंने कुछ बोला नहीं, आपने कुछ समझा नहीं, वो कौन सी पार्टनरशिप है? वो है पार्टनरशिप एट पर्टिकुलर पार्टनरशिप. तो या तो फिक्स पीरियड या तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप होगा, नहीं तो फिर चलेंगे तो शाम तक, चलेंगे तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, वो वाला सीन रहेगा पार्टनरशिप एट विल का. वो किधर दिया है, लेकिन सेक्शन नंबर 7 में दिया है, वेन द पार्टनरशिप एंटर्ड फॉर अ फिक्स पीरियड. तो उसकी एक्सपायरी होने के बाद तो तुम्हारा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा. लेकिन ध्यान से समझना, एक तो तुम्हारा जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप एट विल है, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, फिक्स पीरियड वाला पार्टनरशिप, सॉरी, फिक्स पीरियड वाला पार्टनरशिप मतलब जैसे ही टाइम ड्यूरेशन खत्म, जैसे टाइम ड्यूरेशन खत्म तो तुम्हारा पार्टनरशिप तो एंड होने वाला. लेकिन उसके बावजूद भी अगर तुमको ऐसा लगता है कि यू कैन कंटिन्यू इन दैट पार्टनरशिप, तो फिर पर्टिकुलर आपका जो भी टाइम पीरियड था, फिक्स था, वो फिक्स टाइम पीरियड खत्म होने के बाद भी अगर पार्टनरशिप चल रहा है, इसका मतलब आगे के पीरियड के लिए वो क्या बन जाता है, पार्टनरशिप एट विल. तो अगर आपका फिक्स ड्यूरेशन है, वो फिक्स ड्यूरेशन में दो रास्ते निकलेंगे, या तो आप खत्म कर दो पार्टनरशिप को, या तो फिर दूसरा रास्ता क्या हुआ, या तो आप कंटिन्यू करो. अगर आपने खत्म कर दी फिक्स पार्टनरशिप, बात खत्म हो गई. अगर आपने कंटिन्यू कर दिया तो उसको क्या बोलोगे आप, आगे पार्टनरशिप एट विल बोला जाएगा. आगे आगे क्या लिखा है, अ पार्टनरशिप at will may be dissolved by any of the partner. ये ध्यान रखना, a partnership at will may be dissolved by any of the partner by giving the notice in writing to all the partners, to all the other partners of his intention to dissolve the firm. So basically अगर ऐसा है partnership at will है, पार्टनरशिप एट विल है, और वो पार्टनरशिप एट विल अगर आपको डिसॉल्व करना है, पार्टनरशिप एट विल को डिसॉल्व करना है, तो जो भी पार्टनरशिप एट विल, जो भी पार्टनर को डिसॉल्व करना है, वो नोटिस दे देगा कि भाई पार्टनरशिप डिसॉल्व करना है, ये रहा नोटिस, ये रहा आपका प्रेम पत्र, कि हम लोगों को अब ब्रेकअप का पत्र, सॉरी ब्रेकअप पत्र देना है आपको, कि भाई आज के बाद हमारा डाइवोर्स हो चुका है, आज के बाद हमारा ब्रेकअप हो चुका है, अब तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते, ऐसा आपको. लेकिन किसको बताना पड़ेगा, सारे पार्टनर्स को. मतलब क्या, अभी एक बीवी है तो ठीक है, चार बीवी होंगी तो चारों को बताना पड़ेगा कि भाई ब्रेकअप हो चुका है, अब टाटा सी यू, टेक केयर, गुड बाय. तो ये आपको बताना पड़ेगा किधर, पार्टनरशिप एट विल में. तो पार्टनरशिप एट विल में कंपलसरी आपको नोटिस देना मैंडेटरी है टू ऑल द पार्टनर्स, तभी जाकर आपका फर्म डिसॉल्व होगा, कि आपको इंटेंशन आपका ये है कि आपको फर्म डिसॉल्व करना है. आई होप सो यू अंडरस्टैंड. आगे पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज वन एंड द सेम. प्लीज डू नॉट कंफ्यूज कि पार्टनरशिप डीड अलग होगा कुछ तो, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कुछ नहीं. पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट सब सेम है. ध्यान से समझना, जो ये पार्टनरशिप डीड एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ये कैसे भी हो सकता है, पहले ही समझाया था मैंने आपको, या तो राइटिंग में होगा या तो ओरली किया जाएगा, कैसे भी हो सकता है. इसके साथ साथ ये जब भी आप लोग देखो, दिक्कत क्या होती है ना, आप ओरली कर सकते हो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, लेकिन ओरली करने के बाद उस चीज का प्रूफ क्या है कि तुम लोगों ने पार्टनरशिप करा है, तुम लोगों के राइट्स ये थे, तुम लोग की ड्यूटीज ये थी, ये कांड किया, ये कांड नहीं किया, इस बात का प्रूफ कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है. तो इसका मतलब अगर पार्टनरशिप ओरली रहेगा और अगर कुछ कांड हुआ, अगर कुछ डिस्प्यूट हुआ, तो कोई कुछ नहीं कर सकता. इसीलिए यूजुअली पार्टनरशिप राइटिंग में किया जाता है. बट इट इज डिजायरेबल दैट दे शुड हैव राइटिंग अग्रीमेंट टू अवॉइड द फ्यूचर डिस्प्यूट्स.
इसी को आप पार्टनरशिप, मतलब जो भी वो राइटिंग में टर्म्स कंडीशंस लिखेंगे उसी को आप क्या बोलते हो, पार्टनरशिप डीड बोलते हो। उस पर स्टैंप लेकर आने का, स्टैंप एक्ट 1899 का, और फिर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब ये जो पार्टनरशिप डीड है आपका, उसमें क्या क्या चीजें होती है, नाम, नेम ऑफ द पार्टनरशिप, जितने भी पार्टनर्स है उनका नाम, बिजनेस जो भी आपको करना है वो नाम, कब स्टार्ट हुआ वो, ड्यूरेशन अगर होगा पार्टनरशिप का तो वो, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन हर एक का क्या है वो, PSR, एडमिनिस्ट्रेशन है, आने वाला कौन, जाने वाला कौन, कैपिटल लेकर आया तो क्या, ड्रॉइंग्स लेकर, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कैसे होंगे, कमीशन कितना होगा, एक्सपर्शन क्या होगा, ब्रिच ऑफ ड्यूटी की तो क्या होगा, ये सारी चीजें लिखी जाएगी। अदर देन दिस अगर आपको कुछ लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज अ सब्जेक्टिव थिंग, मतलब हर अपना अपना पार्टनरशिप अग्रीमेंट हर एक का अपने अपने हिसाब से बन सकता है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं कि ये लिस्ट ये इतना ही लिखो, नहीं, नाम लिखो पार्टनरशिप का, पार्टनर का नाम लिखो, बिजनेस प्लेस का नाम लिखो, फिर ड्यूरेशन लिखो पार्टनरशिप का, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन लिखो, उनका PSR लिखो। देखो आपने क्या करना चाहिए, मैं समझा दूं, जब भी ऐसा अगर आता है तो आपने ये समझना है, देखो नाम से रिलेटेड, नाम से रिलेटेड आपको तीन चीजें दी है, नाम से रिलेटेड तीन चीजें है, ठीक है। उसके बाद डेट एंड ड्यूरेशन को लेकर दो चीजें है, उसके बाद सब ये पार्टनर वाला ये जो भी मैटर है तुम्हारा, ये सारा बैलेंस शीट P&L को लेकर आता है। तो ये आप इस तरीके से याद रख सकते हो, बैलेंस शीट P&L के बेसिस पर। तो तीन नाम वाले, एक तो पार्टनर का नाम, पार्टनरशिप का नाम, और जो भी आपका प्लेस है बिजनेस प्लेस, उस सारी चीजों का नाम। उसके बाद कब स्टार्ट हुआ, और ये जब स्टार्ट हुआ, कमेंस हुआ, तब खत्म होने के लिए कोई ड्यूरेशन दिया है या नहीं दिया है। उसके बाद कौन कितना कैपिटल लेकर आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, उसके बाद जो भी विड्रॉ किया जाएगा पैसा या लेकर आएगा वो क्या करेंगे, एडमिशन हुआ तो क्या, रिटायरमेंट हुआ तो क्या। उसके बाद देखो, पहले आप ऐसा भी कर सकते हो, इसमें P&L देन कैपिटल अकाउंट देन बैलेंस शीट वाले आइटम्स, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, मतलब देखो कैपिटल PSR ये सारा तुम्हारा आएगा कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल ड्रॉइंग्स ये भी आएगा, उसके बाद एडमिशन रिटायरमेंट ये तो आप समझते हो, ये आपको ऑन द स्पॉट आ जाएगा, सेटलमेंट सैलरीज ये P&L वाले आइटम्स है, सैलरी वाला P&L है, एक्सपल्शन फ्रॉड सेटलमेंट ये सारा बैलेंस शीट और एक्स्ट्रा का मटेरियल है। तो आप इस तरीके से सारे याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे याद हो सकते हैं, इतना भी कुछ डिफिकल्ट लेवल नहीं है इसका। बात करेंगे मेन पॉइंट्स पर, वो है टाइप्स ऑफ पार्टनर। इस पर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो ध्यान से समझना। पहला है एक्टिव पार्टनर और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। पहला कौन है, एक्टिव, या तो फिर उसको ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी बोला जाता है। एक्टिव मतलब क्या, कि भाई मैं पार्टनर हूँ, मैं पार्टनर हूँ, मैं पार्टनर हूँ, डिंडोरा पिटो सबको बताओ मैं पार्टनर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ इस फर्म में, वो कौन होगा, वो होगा एक्टिव पार्टनर। कौन है, मतलब कि द पर्सन हु बिकम्स अ पार्टनर बाय एन अग्रीमेंट, अ पर्सन हु बिकम्स अ पार्टनर बाय एन अग्रीमेंट एंड हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ पार्टनरशिप। मतलब ऐसा बंदा कि भाई जो सिर्फ बता नहीं रहा कि मैं पार्टनर हूँ, मैं पार्टनर हूँ, वो सारा काम भी देख रहा है, इधर भी भाग रहा, उधर भी भाग रहा, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, सब कुछ मैनेजमेंट कर रहा है, वो बंदा होता है एक्टिव पार्टनर। मतलब सारी दुनिया को पता होता है कि भाई ये बंदा इस कंपनी में एज अ पार्टनर काम कर रहा है। तो अगर अज्यूम करो ऐसा बंदा अगर छोड़ के चला जाए कि जो पूरा टाइम उधर काम कर रहा है, वो इधर भी भाग रहा है, उधर भी भाग रहा है, इससे भी बात कर रहा है, उससे भी बात कर रहा है, सब कुछ वो अगर करता है, और अगर वो छोड़ के चला जाए तो दिक्कत है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है, जब भी कभी एक्टिव पार्टनर को छोड़कर जाना है ना, एक्टिव पार्टनर को छोड़कर जाना है तो कंपलसरी उसको नोटिस देना पड़ेगा कि भाई देखो मैं छोड़कर जा रहा हूं। वो उसको क्या बताना पड़ेगा, भाई देखो मैं छोड़कर जा रहा हूँ, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। पब्लिक नोटिस का मतलब क्या, कि भाई न्यूज़पेपर में भी आप डिस्क्लोज कर दो कि भाई तुम छोड़कर जा रहे हो। पार्टनर्स को नोटिस नहीं देना इधर कि भाई मैं छोड़कर जाना चाहता हूँ। ये पार्टनरशिप एक्ट विल नहीं है सिर्फ कि पार्टनर्स को सिर्फ नोटिस दो, सिर्फ पार्टनर्स नहीं पब्लिक को भी बताओ कि भाई मैं जा रहा हूँ। अब ध्यान से समझना, अगर एक्टिव पार्टनर गया, अगर एक्टिव पार्टनर गया तो इसका मतलब सिर्फ एंड ऑफ पार्टनरशिप है, बट नॉट द एंड ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आई रिपीट माई लाइन, अगर एक्टिव पार्टनर छोड़ के गया तो इट इज जस्ट एन एंड ऑफ पार्टनरशिप, एंड ऑफ पार्टनरशिप जो भी एक एग्रीमेंट है वो उसका एंड है, बट इट इज नॉट द एंड ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर मेरे जाने के बाद अगर बाकी पार्टनर्स चाहे वो एक नया एग्रीमेंट बना सकते हैं, सेम नाम से अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। लेकिन ये बात ध्यान से समझना, एक्टिव पार्टनर को अगर बाहर जाना है तो पहली बात तो नोटिस देनी पड़ेगी पार्टनर्स को भी और पब्लिक को भी कि भाई मैं बाहर जा रहा हूं। अब वो बाहर जाने के बाद ऐसा हो सकता है कि बाकी बचे हुए पार्टनर्स कंटिन्यू करना चाहे तो कंटिन्यू करे सिर्फ, लेकिन हाँ पार्टनरशिप जरूर एंड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि ए बी सी डी ई ये पांच लोग काम कर रहे थे साथ में, उसमें से ए गायब हो गया
तो बचे हुए चार लोग साथ में आगे काम कर रहे हैं, लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म है वो बचे हुए चार पार्टनर्स तो है, बाकी सारे पार्टनर्स जो भी हमने सेक्शन 4 में देखा था बाकी सारे एलिमेंट्स है, तो बस वो पार्टनरशिप अग्रीमेंट नया बनाएंगे और वो फर्म को कंटिन्यू करेंगे। तो ये डिफरेंस ध्यान में रखना, देर इज डिफरेंस बिटवीन की एंड ऑफ पार्टनरशिप एंड एंड ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये डिटेल में दिया हुआ है थर्ड यूनिट में, तब देखेंगे वापस से, बट अभी के लिए मैंने जस्ट बता दिया आपको। तो पार्टनर जो एक्टिव पार्टनर होता है वो क्या होता है, एक पर्सन है जो एग्रीमेंट में अपना नाम देता है और सारे चीजों पर एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, अगर उसको बाहर जाना है तो पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा एंड प्लस अपने पार्टनर्स को भी नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा होता है वो कौन है, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग मतलब सोने वाला, देख कुछ भी करने के लिए नहीं सो जाओ, कुछ भी करना नहीं है, कुछ भी नहीं, ना एक्टिवली इधर भागो ना उधर भागो, एक्टिव पार्टनर की तरह इसको इसका देखो उसका देखो, उसके क्या सैलरी ली नहीं ली, उसने कुछ किया तो नहीं कांड, इसने काम किया नहीं किया, कुछ नहीं देखना है, आराम करना है सिर्फ। लेकिन जब प्रॉफिट की बारी आएगी, जब पैसा बट रहा है ना, तो सबसे पहले जाकर खड़े हो जाओ कि भाई पैसा पैसा पैसा, प्रॉफिट दो प्रॉफिट दो प्रॉफिट दो। वो कौन होते हैं, वो होते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स। तो स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर का मतलब क्या होता है कि भाई वो एग्रीमेंट के हिसाब से पार्टनर तो होते हैं, एग्रीमेंट के हिसाब से पार्टनर तो होते हैं, बट वो एक्टिवली कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में कोई कुछ भी इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं होता। ऐसे लोग जो ढिंडोरा तो नहीं पीट रहे कि भाई देखो मैं पार्टनर हूँ पार्टनर हूँ पार्टनर हूँ, ऐसा कोई ढिंडोरा वो पीट नहीं रहे, वो तो सिर्फ बता रहे कि मैं पार्टनर हूँ, मतलब वो तो सिर्फ इंटरनली पता है कि वो पार्टनर है। तो अगर वो छोड़ के जाता है तो पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखा है ध्यान से समझो, ऐसा बंदा जो अग्रीमेंट के हिसाब से पार्टनर है लेकिन वो कोई भी एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं करता है कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में, वो बंदा होता है स्लीपिंग या तो डोरमेंट पार्टनर। दे शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस एंड आर लायबल टू द थर्ड पार्टीज, दे आर लायबल टू द थर्ड पार्टीज, ध्यान से समझो, दे शेयर द प्रॉफिट लॉसेस एंड दे आर लायबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म्स, दे आर हाउ एवर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव पब्लिक नोटिस, अगर उनका रिक्वायर अगर वो छोड़ के चले जाते हैं, ध्यान से समझना। अगर कोई भी बंदा जो स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर है, पब्लिक को पता ही नहीं कि भाई ये बंदा छोड़ ये बंदा पार्टनर भी है, सिर्फ अंदर पता है ना कि ये पार्टनर है, बाहर वालों को पता ही नहीं, तो बाहर वालों को ढिंडोरा बताना क्यों है, बाहर वालों को ये नहीं पता तुम पार्टनर हो तो तुम उनको ये बताकर क्या ही कर लोगे कि मैं पार्टनर नहीं हूं, इसलिए उसको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। वो कभी भी चाहे तो वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक नोटिस के बिना जाएगा। बट हाँ ये ध्यान रखना कि जब भी प्रॉफिट आएगा वो उसकी वो उसमें मतलब उसके साथ वो प्रॉफिट बटेगा, जो अगर लॉस हुआ तो उसके साथ लॉस भी बटेगा, अगर कोई लायबिलिटी आती है तो वो भी उस लायबिलिटी में रिस्पॉन्सिबल रहता है। देर इज डिफरेंस बिटवीन द वर्ड लॉस एंड लायबिलिटी, आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। लॉस का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोग रिकवर नहीं कर पाए आपके एक्सपेंसेस को, आपके एक्सपेंसेस को रिकवर ना करना इज योर लॉस, ठीक है, आपके एक्सपेंसेस को आपके रेवेन्यू रिकवर नहीं कर पा रहा, दैट इज योर लॉस। बट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर को देना है भाई, इधर कैश की बात हो रही, इधर एक्सपेंडिचर रेवेन्यू की बात हो रही कि भाई एक्सपेंडिचर अपना ज्यादा है एज कम्पेयर टू रेवेन्यू, तो लॉस है सब में बांट दो। लेकिन जब लाइबिलिटी की बात आएगी, क्रेडिटर ने तुमको क्रेडिटर है तुम्हारे बैलेंस शीट में भाई, उसको पैसा देना है तो पैसे सब लोग देंगे, मतलब अगर अगर पार्टनरशिप फॉर्म में पैसा नहीं है तो सब लोग जॉइंटली सेवरली लाइबल है, सबकी पर्सनल एसेट्स भी लाइबल होंगे, तो वो होता है लाइबिलिटी। तो क्रेडिटर्स को पैसा देने है मतलब लाइबिलिटी, तो वो उधर भी लाइबल है और लॉस शेयरिंग के लिए भी लाइबल रहेगा, मतलब लॉस शेयर भी करेगा, वो कौन रहेगा, वो होगा आपका डोरमेंट या स्लीपिंग पार्टनर। उसके बाद अगला कौन सा है, अगला है नॉमिनल पार्टनर, ये इधर अच्छे से लिखा है, इतने बॉक्से देख लिए, बॉक्स देख लिए बस खत्म, ये बक्सों में ही सब कुछ लिखा है। क्या लिखा है देखो, नॉमिनल पार्टनर मतलब कौन, नॉमिनल पार्टनर इज अ पार्टनर हु लेंड्स हिज नेम टू द फर्म विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट इन द फर्म, नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स, नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स, डज नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, इट इज एज गुड एज जैसे डोरमेंट वाले लोगों की ही सारे सिम्टम्स सारे लक्षण उन्हीं के दिख रहे हैं। लायबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म, ध्यान से समझना, अगर वो बंदा प्रॉफिट के लिए लायबल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बंदा अगर प्रॉफिट के लिए लायबल नहीं है तो वो लॉसेस के लिए भी लायबल नहीं है, मतलब लॉस भी शेयर नहीं करेगा, लायबल वर्ड गलत हो जाएगा, प्रॉफिट अगर वो शेयर नहीं कर रहा तो वो लॉस भी शेयर नहीं करेगा, लेकिन वो थर्ड पार्टी को जरूर लायबल होगा। I'll give you example, ध्यान से समझना। ऐसा बंदा जो अपना नाम देता है लेकिन उसको फर्म में कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है, ना ही वो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस करता है, कि जैसे अज्यूम करते हैं मोटा भाई,
ठीक है। मोटा भाई का बड़ा नाम है, मैंने मोटा भाई को बोला मोटा भाई सुनो देखो आपको तो सब पूरी दुनिया जानती है, तो आप एक काम करो ना, आपके नाम से एक मुझे एक पार्टनरशिप फॉर्म खोलने दो, मैं और आप पार्टनर रहेंगे, आप सिर्फ नॉमिनल पार्टनर बनना, आप सिर्फ आपका नाम दो मोटा भाई, आप सिर्फ आपका नाम दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी, तो एक्टिव पार्टनर मैं बन गई, सारा काम मैं कर रही हूँ। मोटा भाई क्या है, मोटा भाई तो अपना आराम से चिल कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ नाम दे दिया बात खत्म, लेकिन वो नाम दिया है इसीलिए वो नाम का जहां जहां इस्तेमाल किया जाएगा, जहां जहां इस्तेमाल किया जाएगा, उन सारे ट्रांजैक्शन में मोटा भाई रहेंगे लायबल, सारे ट्रांजैक्शन में मोटा भाई रहेंगे लायबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोटा भाई पता है कि नॉमिनल पार्टनर मोटा भाई है, तो नॉमिनल पार्टनर ये मोटा भाई है ये पता है बैंक को, इसीलिए बैंक ने मुझे लोन दिया, इसलिए बैंक ने मुझे लोन दिया, तो अगर ऐसा हुआ गलती से कि मैं लोन नहीं रिपे कर पाई तो मोटा भाई को करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो नॉमिनल पार्टनर है, तो वो लायबिलिटी जरूर बेयर करेंगे, वो लायबिलिटी जरूर बेयर करेंगे हर ट्रांजैक्शन की, जो जो ट्रांजैक्शन मैं उनके नाम से कर रही हूँ, क्योंकि वो नॉमिनल पार्टनर है, मैंने नाम ही इसीलिए लिया ना ताकि उनके नाम से, उनकी गुडविल से मैं भी अपना धंधा चला सकूं, तो इसकी वजह से काम तो मैं करूंगी, नाम उनका रहेगा, नाम उनका, काम मेरा, ये तो समझ गई बात, तो ये तो तुमको समझ गया कि मोटा भाई को एज सच कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही वो इंडिपेंड मतलब ना ही वो कंडक्ट में इंटरेस्ट इंटरफेयर कर रहे, नाम उन्होंने अपना दे दिया, काम मैं कर रही, तो अब इसके बाद आपको ये समझना है कि ये सारे कांड में अगर कोई भी लायबिलिटी मैंने क्रिएट कर दी तो मोटा भाई भी लायबल रहेंगे, ऑब्वियसली बात है वो ट्रांजेक्शन के लिए ही, या वो पार्टनरशिप फॉर्म में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए, एंड वो प्रॉफिट के लिए कोई एंटाइटल नहीं रहेंगे, मतलब क्या नॉट एंटाइटल टू शेयर द प्रॉफिट्स, तो आप बोलोगे फिर आ क्यों रहे अगर प्रॉफिट भी नहीं लॉस भी नहीं, तो वो इसलिए आ रहे थे क्योंकि उनको उसके बदले में दूसरा पैसा मिलता है, प्रॉफिट का शेयर ना मिलना इसका मतलब ये नहीं कि फोकट में मिलेगा मुझे, प्रॉफिट का शेयर ना मिलना का मतलब ये नहीं कि मोटा भाई फोकट में उनका नाम दे रहे, ऑब्वियसली बात है उसके बदले में मैं उनको पैसा रिपे करूंगी, लेकिन वो एज अ पार्ट प्रॉफिट नहीं होगा, वो एज अ अदर टर्म्स आप कुछ भी उसको नाम दे सकते हो, तो नॉमिनल पार्टनर मतलब कौन, कि जो अपना नाम देगा, जो शेयर नहीं करता है प्रॉफिट, लेकिन हाँ ना ही वो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में रहेगा, लेकिन हाँ वो लायबल जरूर रहेगा फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म, क्योंकि वो नॉमिनल पार्टनर है इन दैट फर्म ओनली, तो फर्म जो जो कांड करेगा वो सारे कांड के लिए मोटा भाई लायबल रहेंगे। अगला, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, ये वो लोग है ना, ये वो रिश्तेदार है हमारे घर के जो सिर्फ और सिर्फ देखो अच्छी चीजों पर आते हैं, कि भाई गाड़ी ली चलो अभी एक लॉन्ग ड्राइव पर जाकर आते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हो वाले कैटेगरी जो रहती है ना वो ये है। प्रॉफिट्स, पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली मतलब क्या, जहां पर अच्छी अच्छी चीजें होंगी, घर आए, घर लिया बड़ा, या उनको पैसा चाहिए, या उनको कुछ भी ऐसा अच्छा दिख रहा है अपने घर में कि फिर वो एकदम अपना को मक्खन लगाने के लिए आ जाएंगे घर वालों को, तो वो होते पार्टनर्स इन प्रॉफिट, सारे ऐसे नहीं होते ऑब्वियसली बात है, बट हाँ कुछ कुछ होते ऐसे, तो जब दुख की बारी आएगी तब कुछ नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, लेकिन जब सुख रहेंगे तब सब आएंगे, वो होते ये पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। तो पार्टनर्स इन प्रॉफिट मतलब क्या, अ पार्टनर हु इज एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स ओनली विदाउट शेयर द प्रॉफिट्स ओनली विदाउट बीइंग लायबल फॉर द लॉसेस ओनली विदाउट बीइंग लायबल फॉर द लॉसेस is known as the partners for profit only and also liable to the third parties for all the acts or the and the profits only, मतलब ध्यान से समझो, basically ये वो बंदा है जो loss bear नहीं करेगा, ये वो बंदा है जो सिर्फ profit bear करेगा, और ये वो बंदा है जो liable रहेगा, भले ही वो loss bear ना करे लेकिन वो liable जरूर रहेगा third party को। I hope so you are understanding the difference between the word loss and liability, अभी तुम्हारा बचपन जा चुका है, 11th स्टैंडर्ड से तुम पढ़ते आ रहे हो, तो इतना तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट रहेगा कि तुमको समझ जाएगा कि लॉस एंड लायबिलिटी के बीच में फर्क क्या है, तो लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेकिन लायबल जरूर रहेगा थर्ड पार्टी को अगर सिचुएशन डिमांड करता है, तो ये क्लियरली समझ जाना, ये कौन से पार्टनर होते हैं, ये होते हैं पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। उसके बाद अगला पार्टनर होता है इनकमिंग पार्टनर, अगला कौन सा पार्टनर है, इनकमिंग पार्टनर, उसके बाद है आउटगोइंग पार्टनर। इनकमिंग मतलब फर्म ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, तुम आ रहे हो नया, इनकमिंग फर्म ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, तुम फर्म से बाहर जा रहे हो, दैट इज आउट गोइंग, क्या लिखा देखो बस इतना ही याद रखना। इनकमिंग पार्टनर, अ पर्सन हु इज एडमिटेड एज अ पार्टनर इन टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल 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 द एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो वो रहेगा इनकमिंग पार्टनर। सच पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट डन बिफोर हिज एडमिशन, ऑब्वियसली बात है ना, पहले करे हुए कांड के लिए नया आया हुआ पार्टनर थोड़ी ना लायबल रहेगा, पहले कांड करा है वो कांड के लिए जिन्होंने कांड किया वो लायबल रहेंगे, तुम थोड़ी
थोड़ी ना लायबल रहोगे, तुम जब आओगे उसके बाद जो तुम कांड करोगे फिर तुम उसके लिए लायबल। आउटगोइंग मतलब क्या कि भाई जो बंदा लीव करके जाएगा फर्म को, लीव द पार्टनर वो लीव्स द फर्म इन विच रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स कंटिन्यू टू कैरी, ए बी सी डी वाला एग्जांपल, ए तो चला गया बाकी कंटिन्यू कर रहे, तो जो ए गया है उसको आप बोलोगे आउटगोइंग पार्टनर। अ पार्टनर हु लीव्स अ फर्म इन विच रेस्ट ऑफ द अदर पार्टनर्स कंटिन्यू टू कैरी द बिजनेस इन एन इज कॉल्ड एज रिटायरिंग और आउटगोइंग पार्टनर। रिटायरमेंट को लेकर बहुत सारे सेक्शन, बहुत कुछ लिखा हुआ है सेक्शन में, तब हम पढ़ेंगे। सच अ पार्टनर आगे है 31-35 बहुत कुछ है, एक्सपल्शन है, रिटायरमेंट है, एडमिशन है, सब आएगा तब। सच अ पार्टनर रिमेन्स लायबल टू द थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट्स जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता। ध्यान से समझना आप, पब्लिक नोटिस नहीं देता ऑफ हिज रिटायरमेंट मतलब क्या। देखो ए बी सी डी ई पांच पार्टनर्स, ए गायब हो गया, ए चला गया, ए चला गया, ए आउटगोइंग पार्टनर है, ए अगर आउटगोइंग पार्टनर है, चार अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वैसे भी आगे के लिए तो वो लायबल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो तब तक लायबल रह सकता है जब तक ये जो बाहर जाने वाला है ना वो ढिंडोरा ना बजा दे पब्लिक को कि भाई मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आई एम एन आउटगोइंग पार्टनर, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, ये फॉर्म में अब इसके बाद जो भी कांड होगा आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। ये जब तक वो ढिंडोरा नहीं पिटता तब तक वो लायबल है। ठीक है, अज्यूम करो जैसे आज डेट है, आज डेट है 12 अक्टूबर, ठीक है 12 अक्टूबर वो बाहर जाने वाला था, उसने पब्लिक नोटिस दिया नहीं, उसने पब्लिक नोटिस दिया अज्यूम करो कि 12-11 को दे दिया, 12 नवंबर को दे दिया, 12-10 से लेकर अभी देखो 12-10 से पहले तो वो वैसे भी लायबल है क्योंकि उसके पहले तो वो थाई कांड में शामिल था, उसके बाद 12-10 से लेकर 12-11 तक उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया जबकि वो पार्टनर नहीं है, वो तो आउटगोइंग हो चुका है, 12-10 को ही आउटगोइंग है, उसको लात मार के बाहर निकाल दिया आपने, वो बाहर है 12-10 को, 12-11 तक लेकिन उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो फिर इसका मतलब ये जो टाइम ड्यूरेशन है 12-10 मतलब 12 अक्टूबर से लेके 12 नवंबर एक महीना वो पार्टनर नहीं था लेकिन उसके बावजूद भी वो लायबल रहेगा। क्यों? क्योंकि तुमने पब्लिक नोटिस क्यों नहीं दिया, तुम बाहर जा रहे इस बात का, तो बाहर वाले ने गलती से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तुम्हारे भरोसे कि भाई ये पार्टनर तो है ही ना ऐसा सोचकर, तो इसीलिए सामने वाले ने पढ़ा या नहीं पढ़ा को लेना देना नहीं, तुमने पब्लिक नोटिस देना ये मैंडेटरी है। तो तुम अगर बाहर जा रहे हो, रिटायरिंग हो, तो तुम्हारे लिए ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि तुमने पब्लिक नोटिस देना चाहिए, ये दिमाग में रख देना, ये एक अच्छा पॉइंट था। उसके बाद अगला है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टामक करके रख देना, सेक्शन नंबर 28 पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या क्या लिखा है, देखो काफी कुछ लिखा है, पहले मैं इससे पढ़ूंगी और फिर उसके बाद बाकी सारा। देखो व्हेन अ पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और नोइंगली परमिट हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर इन अ फर्म व्हेन इन फैक्ट ही इज नॉट ही इज लायबल लाइक अ पार्टनर इन द फर्म टू एनीवन हु ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन हैज गिवन अ क्रेडिट टू द फर्म। वाह, मतलब क्या, एग्जांपल अज्यूम करो कि आप सीए बन गए हो, क्या अज्यूम करना है कि आप सीए बन गए, आप सीए बने हो और आप मुझे एक पार्टी में मिले, बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी थी, बहुत बिग शॉट बिजनेस पर्सन सब लोग आए थे, सारे बैंकिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाले लोग, बिग शॉट बिजनेस पर्सन, बाहर वाले लोग, बहुत सारे मिनिस्टर्स, ऐसे बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारी बिग शॉट पार्टीज थी, वो सारे बिग शॉट लोग थे उधर। अब ऐसे पार्टी में आप लोग मुझे मिले, ठीक है आप लोग तो मिले, आपने मुझे जान पहचान दी, फिर मैंने भी सोचा हाँ हाँ वो ये वाली बैच थी ना आपकी, हाँ याद आया आप थे एज अ स्टूडेंट थे, फिर आपने थोड़ा सा बोला देखो मैम हम ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, चार पार्टनर्स अज्यूम करते हैं हम लोग, ए बी सी डी ऐसे चार, तुम चार लोग आए, फिर तुमने बोला मैम देखो हमें ऐसा ऐसा पार्टनरशिप खुला है, हम ये ऐसे ऐसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसे सब कुछ बताया आपने मुझे, मैंने बोला वाह वाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तरक्की करो, बहुत अच्छी तरक्की करो, बहुत बड़े नाम कमाओ। और उसी वक्त आपने बोला मैम देखो ना हमको थोड़ा सा ना लोन की जरूरत है, अब देखो कुछ हो सकता है, तो आपका तो बहुत बड़ा नाम है, आपके कॉन्टेक्ट बहुत बड़े बड़े, तो आप करा सकते हो ना हमारे लिए लोन, तो मैंने बोला ठीक है देखते हो, अब मेरे स्टूडेंट है उतना तो सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, तो मैंने बोला ठीक है देखते। उसी वक्त आए वहां से HDFC बैंक के मैनेजर, बैंक मैनेजर एकदम आए वो, फिर मैंने उनको बोला सर देखो ये ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स है मेरे, ऐसा ऐसा पार्टनरशिप है और इस तरीके से सारी चीज़ें चल रही है, ऐसा वैसा सब कुछ मैंने एलाबरेट किया, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि पार्टनरशिप जो है उस पार्टनरशिप में सिर्फ ये चार लोग ABCD जो है, जो मेरे आप जो स्टूडेंट हो सिर्फ वो पार्टनर है, मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिया, मैंने इस तरीके से उनको सब बताया सारी चीजें, एज इफ आई एम ऑल्सो अ पार्टनर इन योर पार्टनरशिप फर्म, आई एम ऑल्सो अ पार्टनर
पार्टनरशिप फर्म, इफ आई एम ऑल्सो पार्टनर इन योर पार्टनरशिप फर्म, ऐसा मैं रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ किसी और को, और उसने ये भरोसा रख के, मतलब मुझ पर भरोसा रख के अगर आप लोगों को क्रेडिट दिया, अगर आप लोगों को क्रेडिट दिया है, देन इन दैट सिचुएशन ये जो ट्रांजेक्शन हुआ, ये जो क्रेडिट दिया गया बैंक से, जो भी पार्टनर्स है ए बी सी डी को, जो भी मेरे स्टूडेंट जो भी है उनको जो क्रेडिट दिया गया, अगर उनमें से ये कांड कर दिया, उन लोगों ने कांड कर दिया, तो बैंक मुझसे पैसा मांगेगा आकर। क्यों? क्योंकि मैं क्या बन जाऊंगी? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बन जाऊंगी। मतलब क्या? देखो, वेन अ पर्सन मतलब इधर कौन है? मैं, रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ मतलब आई ऑल्सो, ही इंक्लूड शी ऑल्सो, ये तुमको पता है, हिमसेल्फ मतलब ही हरसेल्फ ऑल्सो। तो वेन अ पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और नोइंगली परमिट हिमसेल्फ, मतलब मैंने नोइंगली ऐसा थोड़ा सा ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन दिखाया, टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर इन अ फर्म, इनफैक्ट आई एम नॉट, even after that मैंने represent किया, then he मतलब मैं, he shall be liable in a partner, liable like a partner in a firm, मतलब ABCD का जो partnership है वो जैसे liable है वैसे ही मैं भी liable रहूंगी, to anyone मतलब इधर HDFC who on the faith of such a representation, मतलब मेरे representation पर, मेरे पर भरोसा कर उन्होंने credit दिया था ABCD firm को, तो in that situation मैं भी liable रहूंगी। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, when a person represent himself मतलब कौन, किसकी बात हो रही? मेरी बात हो रही। knowingly permit himself मतलब किसकी बात हो रही? मेरी बात हो रही। to be represented as a partner in a firm, firm मतलब किसकी? ABCD की firm, ठीक है, एबीसीडी की जो फर्म है, उस एबीसीडी के फर्म में मैं रिप्रेजेंटेशन ऐसा कर रही हूँ एज इफ आई एम ऑल्सो पार्टनर, जबकि इनफैक्ट आई एम नॉट, देन ही मतलब कौन? मैं, अगेन मैं लायबल हूँ, किसे? मैं लायबल हूँ एज इफ जो फर्म है, फर्म मतलब कौन? एबीसीडी वाली जो फर्म है वो जैसे लायबल है वैसे मैं भी लायबल हूँ, टू एनी वन मतलब कौन है अपने इधर? HDFC बैंक, टू anyone जिसने भरोसा करके फर्म को क्रेडिट दिया हो, इन दैट सिचुएशन मैं भी लायबल हूँ। मैं कौन बन जाऊंगी इन दैट सिचुएशन? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। मैं क्या बनूंगी? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्या लिखा है देखो, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, इसको और एक लॉ भी बोलते हैं, पार्टनर बाय पार्टनरशिप बाय स्टॉक होल्ड, स्टार मार्क करना ये लाइन, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनर्स बाय होल्ड पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल। का मतलब क्या है? एस्टॉपल का मतलब होता है, लिख के रख देना, एस्टॉपल का मतलब होता है यू कैनॉट डिनाई समथिंग विच यू हैव एक्सेप्टेड अर्लियर। आई रिपीट माई लाइन, एस्टॉपल का मतलब होता है यू कैनॉट डिनाई समथिंग विच यू हैव एक्सेप्टेड अर्लियर। अगर मैंने ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिखाया है कि मैं इनमें पार्टनर हूं, और कल जाकर अगर ये फर्म जो है वो कांड कर देती है, तो मैं बाद में जाकर ये नहीं बोल सकती थी, सर आप, मैं तो पार्टनर हूं ही नहीं इस पार्टनरशिप फर्म में, मैं ये बात नहीं बोल सकती क्योंकि मैं वो राइट हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं पार्टनर बन जाती हूँ, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या पार्टनर बाय एस्टॉपल। मतलब ही आई रिप्रेजेंटेड माई सेल्फ एज इफ आई एम अ पार्टनर, सो आई कैनॉट डिनाई फ्रॉम दैट लाइबिलिटी लेटर ऑन बिकॉज आई हैव एक्सेप्टेड अर्लियर, दैट इज नथिंग बट वॉट? एस्टॉपल। सो वेयर अ मैन होल्ड्स हिमसेल्फ आउट टू बी अ पार्टनर और अलाउज अदर टू डू इट, ही एंड अदर अलाउ अदर्स टू डू इट, मतलब क्या कि या तो मैंने रिप्रेजेंट किया, या तो ये ABCD, ये जो ABCD है, इन ABCD ने जाकर बताया कि हम ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, और ऐसा बोलते बोलते मैम तो सब जानती है, ऐसा वैसा करके दिखाया, तो अल्लाह मैंने उनको, मैं या तो मैं खुद बता रही हूँ, या तो फिर ये पार्टनर ABCD बता रहा और मैं चुप बैठी हूँ, मैं तो कुछ डिनाई भी नहीं कर रही, ABCD बता रहा कि मैम भी हमारे साथ काम करती है ऐसा वैसा, और मैंने कुछ डिनाई भी नहीं किया, मतलब ये मैंने अलाउ कर दिया ABCD को। तो एज अ पार्टनर मैं खुद बताऊं और अलाउज अदर्स टू डू इट, मतलब ABCD को अलाउ कर दिया, इफ ही देन स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द कैरेक्टर ही अज्यूम्ड एंड अपॉन द फेथ ऑन विच द क्रेडिटर्स मे प्रिज्यूम टू हैव बीन एक्टेड, मतलब ये अज्यूम किया जाएगा, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि भाई क्रेडिटर ने ये भरोसा रखकर, इस पर भरोसा रखकर ही क्रेडिट दिया था, then in that situation I cannot deny, that is nothing but what? Partners by holding out. A person may himself by his word or a conduct have induced the others to believe I have induced, मतलब मैंने encourage किया उनको इस बात पर भरोसा रखने के लिए कि मैं partner हूँ, induced to believe that he is a partner, or he may have allow others
टू रिप्रेजेंट एबीसीडी को अलाउ किया टू रिप्रेजेंट माय मी एज अ पार्टनर इन योर पार्टनरशिप फर्म, देन बोथ द केसेस में मैं लायबल रहूंगी. उसी का एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, इट इज ओनली द पर्सन whom representation has been made or who acted thereon as a right to enforce the liability arising out of the holding out. You may also note that for the purpose of fixing the liability on a person who has by the representation, on a person matlab kon main, on a person matlab main, on a representation laid another to act, it is not necessary to show that he was actuated, he has actuated by a fraudulent intention. मतलब मैंने कोई फ्रॉड किया है ऐसा, मतलब इस इंटेंशन से कुछ नहीं किया था, लेकिन अगर गलती से मैंने सिर्फ ऐसा एक्टिंग वाइज भी कर किया होगा कि मैं आई एम लाइक एन पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, तभी भी मैं लायबल रहूंगी. सो दिस रूल ऑफ सेक्शन नंबर 28 इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर अ फॉर्मर पार्टनर. ध्यान से समझता, दिस सेक्शन 28 मतलब पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू अ फॉर्मर पार्टनर हु हैज रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म विदाउट गिविंग द प्रॉपर नोटिस इन द इंटरेस्ट. मतलब क्या कि मैं रिटायर हो गई थी एबीसीडी से, अब एक्चुअल में मैंने तो पब्लिक नोटिस देनी चाहिए थी, मैंने पब्लिक नोटिस दी ही नहीं है, तो जनता को पता ही नहीं कि मैं तो बाहर जा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसा दिखा रही हूँ एचडीएफसी को कि मैं अभी भी एज अ पार्टनर हूँ, तो जो रिटायरिंग पार्टनर होगा वो भी इधर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बन सकता है. इन सच अ केसेस अ पर्सन हु इवन सब्सिक्वेंट टू द रिटायरमेंट गिव द क्रेडिट टू द फर्म, देन वो भी लायबल रहेगा. एंड ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया है. इसी के साथ हमारा ये जो पर्टिकुलर यूनिट है ये खत्म हो जाता है. आप एक बार बस रिवाइज कर लेना, आपको याद हो जाएगा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर सेक्शन नंबर 28 में है, एलएलपी में सेक्शन नंबर 29 में है, तो इधर 28 उधर 29 एकदम सेम कॉपी पेस्ट कॉन्सेप्ट है, तो एक ही बार पढ़ लेना अच्छे से, इसलिए इतनी बार समझाया कि उधर दिक्कत ना हो. इसी के साथ ये सेशन हम लोग यही बात खत्म करेंगे. मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा प्लीज जरूर बताओ कि लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों तक किस तरीके से चीजें पहुंच रही है, कितना मैंने इंप्रूवमेंट कहाँ पर डालना चाहिए, कैसी चीजें करनी है. लाइक करो, शेयर करो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझाओ. बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी ये नहीं पता होता कि बेरैक क्या होता है. मैंने पिछला जो एक वीडियो डाला है उसमें मैंने बताया कि बेरैक कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी. प्लीज जाकर वो जरूर शेयर करना, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब फास्ट ट्रैक में आने के बाद अगर मुझे ये पढ़ाना पड़ता है कि भाई क्या है बेयर एक्ट एग्जैक्टली, तो बहुत ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटिंग है, बट ठीक है. तो आप उसी तरीके से पढ़ना और बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी ये जरूर शेयर करना, दुआएं जरूर मिलेंगी आपको. तो इसी के साथ ये सेक्शन, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है जितने भी हमको करने थे, और ये यूनिट जो है हमारा यहाँ पर खत्म होता है. हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट.